मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल वाहिद है। मैं जो है मेरे ससुराल के घर को आया था गेट टुगेदर इफ्तार पार्टी के लिए, तो वहाँ पर मैं मेरे दोस्त को भी बुलाया था, वहीं के रहने वाले होना। तो ये लोग जो है हमेशा इनकी एक आदत ये रही कि आते जाते घूरना, डराना, इनको बर्दाश्त करे तो नहीं बर्दाश्त करे, जैसे गाली गलौज करना। इनका बोलना है कि मतलब ये है कि भाई हमारे से डर के रहना। अभी आपके ऊपर हमला हुआ तो क्या टाइम पे हुआ और कितने लोग? हाँ, वो हमारे से डरना, अगर नहीं डरेंगे तो हम डरे तक या फिर खत्म होने तक हम तुम्हारे को जो है ना पीछा पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पर्टिकुलर नहीं, अगर कहीं भी गलती से हम दिख गए, मस्जिद में दिखो या कब्रिस्तान में दिखो या फिर घर के पास, खुद के घर के पास दिखो या इत्तेफाक से बाजार में कहीं चले गए, तो घूरना, घूर के जो है ना हमारे को डराना। गलती से अगर हमारी नज़र मिल गई उनसे तो कुछ तो भी गाली गलौज करना। अगर हम सवाल करें क्या बोल रहा, बोलती आके लड़ना, हाथ उठाना, ये हरकत, ये जो है ना इसमें A1 जो है ना नियाज शरीफ बोल के नाम है उसका, ये उसकी फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, सैयद नियाज A1। इन्होंने प्रोग्राम करे सो है लड़ाई का और मारने का प्रोग्राम है। नियाज जो हमला कर रहे हैं, ये आवारा कर दिए ये लोग। एक ब्राय नाम चुप की जो है ना एक ऑप्टिकल डाल लेके बैठे हुए है और कुछ नहीं, ऐसे आवारा गर्दी, लड़ाई झगड़े करना, कोई घर बना रही ये कर रहे हैं, बहरहाल जो भी है वहाँ जाना, कमजोरों को डराना, उनसे जो वसूल कर सकते कर लेना, ये लोगों का मामला है लोगों का। और इनका एक ही मंशा है कि भाई हमसे डर के रहना। तो मैं ये सवाल करूँ, मैं क्यों डरूँ जबकि मैं कानून है? तो मैं कानून से बार 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 गुजारिश कर रहा, यहाँ तक कि परसों दो दिन पहले मेरे को मालूम आता हूँ, मैं सीधा PS को गया। PS पे अभी आप बोले कि आप बार बार जैसे काफी जमाने से, काफी दिनों से आप पुलिस से जी, पुलिस वाले क्या किया? पुलिस वाले वही शोर शराबा कर रहे थे वो लोग, और जब भी धमकियां दे रहे थे, लोगों को खत्म कर देना है, लोगों को खत्म कर देना है, इन लोगों को पूरों को खत्म करना है। तो ये हरकत हमेशा की उनकी चरी, PS में कितना भी बोलो, पुलिस वाले जो है ना बता रहे हैं कि भाई हम क्या एक्शन ले सकते, हमारे को राइट्स में जाके जो है ना बार बार में गम। तो पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि खुल्ला उनका ये कहना है कि भाई हमारे को राइट्स नहीं है कुछ भी करने का, हम क्या कर सकते हैं, ये बात वो लोग बता रहे हैं। और ये बार बार ये बात बोल रहा कि मैं जैसा पुलिस को नचाया वैसा नाचने वाली है, मैं जो बोला वो, तुम इतने साल से हो क्या कर लिए, PS में जाके कंप्लेन दिए, कुछ हुआ कोई डराया हमारे को, कोई कमाटी पर PS लग रहा है। तो इसका बोलना ये कि उसके अलावा मेरा बहन ही है, बार बार बोलता मेरा बहन ही है, PS में जो पूरा हैंडल कर लेता समथिंग, कुछ नाम जावेद भाई बल्कि कुछ बता रहा था वो, जावेद भाई है बल्कि कुछ बता रहा था वो, उसकी बहन का नाम जावेद। क्या रैंक है उनका PS में? वो मेरे को नहीं मालूम और मैं पहचानता भी नहीं उनको, तो मैं बोला आखिर कौन है, कौन तो भी है। तो जाहिद भाई PS है, उन्होंने पूरा हैंडल कर लेते, पुलिस वाले पूरा हम जैसा बोले वैसे ही करने वाले, पुलिस वाले तुम क्या करते कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये लोगों का जो भ्रम है पुलिस को लेकर, कि पुलिस को हम जैसा नचाएंगे नाचने वाली है, पुलिस कुछ नहीं उखाड़ ले सकती, तुम कंप्लेन करा रहे हो कुछ भी कर लो नहीं उखाड़ने वाली है, हमको जो करना है वो हम करते रहेंगे, हमको जो करना है वो करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई क्या पुलिस ऐसे ही है कि जैसा ये लोग बता रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे पुलिस वाले, और इनके अंदर कोई डर नहीं बैठेगा किसी को जो ना किसी पर जुल्म करने के वास्ते, क्यों डरे हम इनसे? सवाल ये है कि भाई ठीक है डरना जाए तो डरेंगे, डरने की वजह बात है कि हम तुमसे क्यों डरे, क्यों डरे ये बताओ आप, हम तुमसे डर के क्यों जिए? अब हमारा जो है ना एक ही तकाजा है कि हमारे साथ इंसाफ हो, और ऐसी हरकत कभी इनो और इनके खानदान में कोई ना करे, इनके साथ ऐसा एक्शन लिया जाए, इनके खानदान के छोटे बड़े पूरे जो है ना यही हरकत में मुबतला है, इसी तरह जो है ना मासूमों के ऊपर जुल्म करना, सितम करना, डराना, यही हरकत, पीना करना, रोज का शेवा पी लेते आके वहाँ गाली गलौज करना, घर के वहाँ जोर जोर से आराना मारना, वहाँ पर रुक के गाली गलौज करना, हम लोग दिखे तो गाली गलौज करना, नहीं दिखे तो जोर जोर से हॉर्न मारना या स्पीड में गाड़ी जो है वहां से भगाना, ये देख देख के हम क्या करें, स्पीड ब्रेकर तक लगाइए, नहीं होना हादसा कुछ भी बोल के। तो इन लोगों की जो है ना हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही, शैतानी शरारतें जो है इनकी कम नहीं हो रही। तो मेरी जो है ना एक ही गुजारिश है कि एक तो हमारे साथ इंसाफ हो, दोबारा ये किसी के भी साथ ऐसी हरकत ना करे, इनके खिलाफ ऐसा सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं कामरपुर पूरा PS हदूद बंदलगुड़े में रहने वाला हूँ। ये कई सालों से जो है ना वहाँ पे एक
गुंडागर्दी चल रही है, कब्रिस्तान पे जाने के लिए भी जो है ना उनकी इजाज़त लेना है, मस्जिद में जाने के लिए उनकी इजाज़त लेना है, रास्ते से अगर चल रहे हैं आप तो अगर वो आ रहे हैं तो आप सर झुका लेना, अगर आप सर झुका लिए भी घर के अंदर बैठे हुए तो आपके घरों के सामने से फुल साउंड में नॉइस जो है ना लगाते हुए हारन मारते हुए रात के 1:30 बजे 2 बजे भी जो है ना वहाँ से गुजर। तो इसी सिलसिले में जो है ना फिर मेरे साथ मेरे जो है ना मेरे भतीजे के साथ में हर महल्ले के हर तीसरे शख्स के साथ में ही है, लेकिन हर आदमी जो है ना उनसे डर के कोई जो है ना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अब पिछले पहले रमज़ान से जो है ना ये पीछे पड़े हुए हैं, हम तरावी जो है ना तक जाने के लिए जो है ना छोड़ दिए मस्जिद को, दूसरे मस्जिदों का रुख कर रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है ना यानी रोडिज्म से है और उनके साथ जो है ना मुखबिर वगैरह है। दूसरी चीज़ और एक बात कहना चाह रहा हूँ, इनका जो है ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी पार्टी को भी जो है ना बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम है साहब उनका? ये जो है ना अब मेरे साथ जो सबसे पहले जो हादसा हुआ उसकी पूरा मास्टरमाइंड जो है ना नियाज है, फिर उसका जो है ना भतीजा है जो मस्जिद कमेटी का सदर है, मस्जिद चंदा बीबी बंदलगोड़ा, और दूसरी चीज जो है ना फिर उसका और एक भाई का बेटा, 2-3 बेटे हैं, भतीजे हैं, ये पूरे मिलके जो है ना हर आदमी को आने जाने यानी किसी को नहीं बख्शते। अब रहा सवाल ये लोग क्या है वहाँ के? गुंडे है एक हिसाब से, रॉडी शीटर है उनकी, पहले से ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उनके, कम्युनिटी प्रॉपर्टी एसपे है। तो पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे इसके ऊपर? अब उनके ऊपर केसेस भी है लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं, उनके पास पैसा है हराम का वो चला रहे हैं, उनकी तरफ जो है ना रहा सवाल। वहाँ पे तकरीबन यानी ऐसे कर दिए, और अब से नहीं है ये, तकरीबन इनके पास ये जो है ना बाप दादा से चलते हुए आ रहा है। अब जब कोई ख़त्म होता तो वे दूसरे को तैयार करते, तीसरे को तैयार करते, ये चीज़ सिलसिला यानी वो विरसे में जो है ना रोडिज्म दे के जा रहे हैं, तो महल्ले में दबा के रखना चाह रहे हैं हर किसी को। और कितने जने मिलकर अटैक कर रहे हैं ये आज जो है ना वहां से मेरा भांजा जो आज रोजा इफ्तार करने के लिए घर पे आया हुआ था, और मेरे दूसरे भी जो है ना भतीजे थे, सब हम लोग इफ्तार करने के बाद में जो है ना मस्जिद को नमाज के लिए निकल रहे थे, तो फिर वहां से लोगों की गैंग जो है ना गुजरी, वो देखना क्यों देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उतने पे भी हम खामोश हो गए। ये अभी नाम जो बोला, सबसे पहले मास्टरमाइंड उन्हें नियाज है, फिर उसका जो है ना जो मस्जिद कमेटी का सदर है अथर है उसका नाम, उसका भाई है और एक असगर है, फिर उसके जो है ना भाई है नवाज, उसके जो है ना 2-3 लड़के हैं, उसके नामा नहीं मालूम मेरे को, जलाल है, फैसल है, और जो फाजिल है, ये मैं तो नाम नहीं मालूम, लेकिन बच्चों को पहचानते अच्छे तरीके से। वो अटैक तो जो है ना वहाँ पे उनके जो है ना अब यहाँ से जो है ना वो लोग करने के बाद में मेरा भांजा वहाँ से गुजर रहा था तो उसको रोक के जो है ना वो लोग इधर से क्यों जा रहा, क्या देख रहा, उसके बाद में जो है ना जब उस पर हम, तो हमको तिल्ला मिली, तो जब हम गए तक तकरीबन जो है ना 20-25 लोग थे लोग। कैसे मारे आप? उनके पास से घरों में से जो है ना वही राट थे और जो है ना पता नहीं पंच थे और है, और वो जो स्टिक जो है ना लेके चलते वो स्टिक से जो है ना मारे। बताया जाता है कि अभी कोई लड़का है उसका नाम क्या है जो क्रिटिकल? वो मेरा भतीजा है, अभी भी जो है ना वो क्रिटिकल है, उन्हें मोहम्मद यासीन उसको तकरीबन बीच में लेके ग्रेनेड भी डाले और तीनों तरफ से ये पूरे जो है ना तीन तरफ से उसके सर में पूरा उसको जो है ना पूरा बाल बना के जो है ना उसको वो सर्जरी के हिसाब में स्टिचेस दिए उसको पूरा। अब मैं हूँ, मेरा भतीजा है, ये भांजे है, ये मेरे जो है ना भांजे के दोस्त है, ये भी इफ्तार करने के लिए इनके साथ में आए हुए थे, तो ये तकरीबन हम कुल 5 आदमी जो है ना जख्मी है हम लोग। उनकी तरफ से कोई जख्मी है ये इत्तला नहीं है मेरे को, क्योंकि हम वहाँ पुलिस में कंप्लेंट गए, पुलिस को कमेटी प्रॉपर्टी है। इससे पहले भी कभी आप लोग इसकी कंप्लेंट कराए थे क्या? इससे पहले जो है ना करा रही, वो जो है ना मेरा भतीजे के साथ में इससे पहले भी, वो किस्सा क्या है, मेरा एक भाई माजूर है अब्दुल खदीर, मोहम्मद खदीर माजूर है, तो उसको जो है ना यानी जानवर के जैसा ट्रीट कर रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया क्योंकि वो उसको चाचा होना और उम्र रसीदा है, तो उसको बोला होने के जो है ना क्यों जो है ना सता रही, माजूर आदमी है, तुमको क्या लेना देना है, इसके साथ जो है ना बहस करके मारम पीटी करे उस वक्त भी, फिर वहाँ जाके पीएस में जो है ना वो जो
कोई मामूली सी जो पर्चा काट के जो दे देते चालान, वैसा केस करके छोड़ दिया लोगों से। जब भी ये हमारे साथ तो जो है ना, पिछले इनको तकलीफ वहां से भी हुई कि मस्जिद कमेटी में जो है ना, एक उनके खुद का जो है ना एक खास दिन या मोहतमद था, तो वो खुद जो है ना बोल रहा था कि ये लोग गबन कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ना वो आके हमारे साथ जो है ना, क्योंकि कोई नहीं थे ताउन करने के लिए, तो जाके जो है ना वहाँ वक्फ बोर्ड में जो है ना कंप्लेंट करे थे। तो उसके बाद वक्फ बोर्ड से आदमी आए थे, उसके भी जो है ना मेरे पास पुराने वीडियो से, अगर आप लोग चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ मैं, मस्जिद में जो गुफ्तगू हुई थी उस वक्त भी। फिर उस वक्त भी जो है ना तकरीबन वो चीज, फिर वहाँ पे लोग, आपका ये कहना है कि काफी अरसे से काफी है ये चीज जो है ना, क्योंकि वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हम जो है ना। इसलिए फिर कब्रिस्तान में भी जो है ना, हालांकि ये लोग तदफीन के लिए जो गरीब आदमी भी मरता उससे जो है ना पैसे ले रहे हैं दफनाने के, पहले तो उसको इजाजत नहीं दे रहे, जो पैसे दे रहा है उसको इजाजत दे रहे। फिर अगर जैसे कांटी वगैरह या झाड़ वगैरह जो है ना उग जा रहे, तो वो भी जो है ना जैसा शब बरात वगैरह में जो है ना बल्दिया की तरफ से साफ कर देते, तो उस पर भी ध्यान नहीं देके वो जो साफ सफाई नहीं करके, जहाँ पे इनकी जो है ना खबरें है वो इतना ऐसा साफ है, बाकी का गंदा जो होना रहता। मेरे पास वीडियो है उसका भी, तो मैं उस चीज के बारे में भी, जाति लड़ाई नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ जो है ना कब्रिस्तान के लिए, तो उसके लिए आवाज उठाए थे, तो वो जाति दुश्मनी उसको बना दिया उस चीज पे मुतालिबा। अब मेरा मुतालिबा जो है ना कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो भी अरबाब मजाज है, और खास तौर से ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को